लखीसराय में बीते दो दिनों में दो हत्या से सनसनी फैल गई है। अब से थोड़ी देर पहले लखीसराय जिले के सुरगढ़ा प्रखंड के नंदपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और यही वो जगह है। इसी जगह पर जो बताया जा रहा है कि रमाश्रय सिंह का जो नौकर है छोटी सिंह, वो यहाँ पर सोया हुआ था और जो अपराधी थे वो टारगेट करते हुए रमाश्रय सिंह को यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन गोली जो है वो छोटी सिंह को लग गई जो रमाश्रय सिंह का नौकर है, बीते 30 सालों से वो उनके साथ था। जमीन विवाद में ये हत्या हुई है। आपको बता दें कि लखीसराय एसपी अजय कुमार ने कल ही पदभार ग्रहण किया है और कल ही एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और 24 घंटे भी नहीं बीते हैं उसके बाद फिर से नंदपुर गांव में एक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस, नए एसपी जो अजय कुमार हैं, उनके लिए ये चुनौती है। अपराधियों ने खुली चुनौती दी है, लेकिन जो दावा है लखीसराय एसपी का, उनका दावा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बीते दो दिनों में जिस तरीके से अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये पुलिस के लिए खुली चुनौती है। 13 तारीख के 1 बजे हम अपने बथान पर जा रहे थे, मेरा नौकर वहाँ सोया हुआ था। हम 1 बजे उसको गाय का घट्ठा पिलाने के लिए उठाने के लिए गया, उससे पीओ से जो ही हम 50 गज पीछे तकरीबन रहे तो हमने देखा कि वहाँ ये 3-4-5-7 आदमी थे, जिसमें 3 मेरे गांव का आदमी थे और 2-4-5 आदमी बाहर का था जो कि इर्द गिर्द था, उसके साथ भी था। वो हमको देख करके मेरे तरफ गोली चलाया, तो गोली जो ही मेरे तरफ चलाया, हम भागने में सफल रहे और उसने मेरे छोटे भाई समझ करके उसको गोली मार दिया। नौकर को गोली मार दिया। कहाँ का रहने वाला था नौकर? इसको हम बहुत दूर, हम जब सेना में थे तो उसी समय ट्रेन पर भीख मांग रहा था। कहा मेरा माय बाप कोई नहीं है, हमने कहा रहोगे तो मेरे पास ही 300 साल से है। अच्छा, जो विवाद चल रहा था थाना को सूचना दिए थे आप लोग? हाँ, सूचना दिया था हमने, अगले बार भी दिया था और ये भी थाना और एसपी साहब को हमने बोल रखा है कई बार कि इस गांव में बहुत अधिक अपराधी मोटरसाइकिल से दिन रात सरेआम ये 3-4 आदमी यही घुमाता है, लेकिन प्रशासन का इसके ऊपर कोई नजर नहीं रहा। कौन लोग थे? यही लोग जिसका नाम बताया का, हम उसको पहचानते थोड़ी, यही का आता है, बाहरी आता है, अकबिल का आता है, दीरा का आता है। वो नीले सिंह गांव का ही? हाँ, ये गांव का ही है और ये बहुत दूर से क्रिमिनल परिवार ही चल रहा है, इसी का भाई है। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सुरक्षा दे और इसको किसी तरह पकड़े इन लोगों को, जो बाहरी आदमी आता है, अन्यथा ये गांव में कुछ नहीं करेगा वरना फिर खून होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रमाश्रय सिंह। सूचना मिली कि एक व्यक्ति की नंदपुर में हत्या हो गई है, जनापुर गश्ती गाड़ी 112 की टीम को भेजा गया। 112 की टीम के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति की गोली लगी है और स्पॉट डेथ हो गया है। जिनके यहाँ छोटू नाम पूछने पर नाम बताया गया कि छोटू कुमार नाम है मृतक का और वो रमाश्रय सिंह के यहाँ नौकर के रूप में काम करता था। रमाश्रय सिंह से पूछताछ किया गया हत्या के संबंध में, तो इनके द्वारा बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर के नीलेश सिंह, चंदन कुमार, बजरंगी तीनों लोग आए हमारे बथान पर और हमारे भाई को समझकर गोली चलाए, जहाँ मेरा नौकर छोटू कुमार सोया हुआ था वो गोली मार दिए। गोली हम पर भी चलाए क्योंकि हम बथान पर गाय का अपना घट्ठा खिलाने के लिए जा रहे थे। कितना फायरिंग किया अपराधियों ने? रमाश्रय सिंह के हिसाब से 2 फायरिंग। एक गोली लगी है मृतक? एक गोली मृतक को लगी है, ये बच गए, इन पर भी फायरिंग किया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? एक व्यक्ति नीलेश कुमार को पकड़ा गया है जो फायरिंग किया था। उसके पास से कुछ बरामद? अभी तो कुछ बरामद नहीं हुआ है। कब से चल रहा था सर जमीन विवाद? जमीन विवाद बहुत पहले से चल रहा है। थाना में कब? थाना में कोई सूचना नहीं है, जैसा ही बता रहे जमीन संबंधी विवाद ही था। थाना में कोई जमीन से संबंधित विवाद की कोई सूचना नहीं है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सर कार्रवाई की जा रही है?